Hello students, now let us take some examples based on self-inductance. So this is the first question I'm just taking here, very simple question. So AB is a part of circuit, yahan pe aap dekh sakte hain, ye A se lekar B tak, this is a part of a circuit. And you can see that in this diagram, in this figure, there are three elements in this circuit, right? There is an inductor, its inductance is 1 Henry, there is a potential source, I mean there's a battery, its potential is 5 volt, and there's a resistor, resistance is 2 ohm. Okay, now we have to find out the potential difference VA minus VB. So A se B tak, ye A ye B, so we have to just find out VA minus VB if the current I is 2 ampere and is constant. Chalo, so let us start, let us discuss one by one. So first part में हम लोगों को क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि करंट कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो करंट जो है वो हम ए पार्ट कर रहे हैं, जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। सो द करंट इज कांस्टेंट, ठीक है, करंट इज कांस्टेंट। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज डी आई बाई डी टी, वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा। तो इंड्यूस ई एम एफ का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी एल डी आई बाई डी टी, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस इंडक्टर के अक्रॉस, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इंडक्टर, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस कुछ भी ई एम एफ इंड्यूस नहीं होगा, एंड देयर विल बी नो ई एम एफ इंड्यूस अक्रॉस इट। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल यहाँ से जो इंडक्टर है उसको आप यू कैन जस्ट रिप्लेस इट विद अ वायर, ठीक है, उसको आप सिर्फ एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, एक बैटरी बचेगा और एक रेजिस्टर बचेगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो बैटरी 5 वोल्ट का और ये 2 ओम का इसका रेजिस्टर हो गया। अब आप यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे, आप लिखोगे ये ए है ये बी है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वी ए, ठीक है, यहाँ से आप आगे जा रहे हो तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 5 वोल्ट का, तो वी ए माइनस 5, और ये हो गया माइनस आई आर, आई इंटू आर, रेजिस्टेंस कितना है 2, और आप पहुंच गए बी पॉइंट पे, यानी पोटेंशियल एट बी पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, ऑलराइट, ओके। जो करंट है वो 2 एम्पियर दिया गया है, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस 5 माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से आपको वी ए माइनस वी बी कितना मिल जाएगा, वी ए माइनस वी बी आपको मिल जाएगा 5 + 4 कितना, 9 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट वॉज वेरी सिंपल, राइट, आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली, ओके। चलो लेट अस नाउ डिस्कस द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो करंट है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके, इट्स नॉट कॉन्स्टेंट। Rather, हम लोगों को डी आई बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट हमें दिया गया है। तो दिस इज नाउ बी पार्ट। तो बी पार्ट में जो डी आई बाई डी टी है इट्स प्लस 1, राइट, यहाँ दिया गया है द करेंट इज 2 एम्पियर एंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो डी आई बाई डी टी कितना हो गया, डी आई बाई डी टी हो गया 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, ये दिया गया है। तो अब जो इंड्यूस ई एम एफ है, इंड्यूस ई एम एफ अब कितना हो जाएगा, अब इंड्यूस ई एम एफ जीरो तो नहीं होगा, राइट, आप उसको कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पहले उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी होगा, एल कितना है, एल 1 है, डी आई बाई डी टी कितना है, वो 1 है, यानी 1 वोल्ट आ गया, ठीक है, ये 1 वोल्ट आ गया, ओके। तब यहाँ पे जो चेंज आएगा वो चेंज हम लोग देखते हैं। तो अभी यहाँ पे बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो इंडक्टर है, इंडक्टर को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 वोल्ट के ईएमएफ से। बस सवाल ये है कि उसका पोलैरिटी क्या होगा, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे ये जो करंट आप देख रहे हो, राइट, दिस करंट, चलो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, आई विल एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट। ये जो करंट आप देख रहे हो, राइट, ये एक्चुअल करंट जो फ्लो हो रहा है, और उसका वैल्यू यहाँ पे 2 एम्पियर दिया गया हम लोगों को, ओके, और ये करंट बढ़ते जा रहा है। ये करंट अगर बढ़ेगा तो इसके अंदर का फ्लक्स बढ़ेगा, राइट, इसके अंदर का फ्लक्स बढ़ेगा, तो उसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस करंट है वो इस एग्जिस्टिंग करंट को अपोज करना चाहेगा, ठीक है, और उसको अपोज करने के लिए
इसका जो ईएमएफ तैयार होगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड आएगा, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड आएगा, ठीक है। यानी इस केस में ऐसा हो जाएगा, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है, वो उसको अपोज करना चाहेगा, राइट राइट। जो एग्जिस्टिंग करंट है, ये जो एग्जिस्टिंग करंट है उसको अपोज करना चाहेगा ये इंड्यूस करंट। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ओके। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया आपको कि, लेकिन यहाँ पे हमें ये इंड्यूस करंट ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू शो दिस। तो अब यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और ड्रॉप आ जाएगा। तो चलिए इक्वेशन हम लोग एक बार फिर से लिख दें। तो इक्वेशन में थोड़ा सा एक स्लाइट चेंज हम लोगों को करना होगा, वी हैव टू मेक स्मॉल चेंज हियर। तो वो चेंज क्या होगा, लेट अस सी, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगा यहाँ से, ये ए पॉइंट है, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो दिस इज वी ए, और ये यहाँ पे 1 वोल्ट, राइट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट है। तो वी ए और ये ड्रॉप होगा, यानी -1, ठीक है, ओके। तो वी ए -1 और ये हो जाएगा -5, और ये -IR, आई का वैल्यू 2 है, रेजिस्टेंस 2 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी। यहाँ से हमें वी ए माइनस वी बी मिल जाएगा 10 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया था, 9 वोल्ट, सेकेंड का आंसर आया 10 वोल्ट। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। आई एम श्योर आपको ये एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा हम लोगों ने डायरेक्शन कैसे चूज किया, ये जो पोलैरिटी है कैसे सेलेक्ट किया। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ पोलैरिटी हमने कैसे सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो ये करंट आप देख रहे हो, ये जो करंट है, दिस करंट इज इंक्रीजिंग, राइट, दिस करंट इज इंक्रीजिंग। करंट इंक्रीज होगा तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एल आई, राइट, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसके लिए जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो इसका जो खुद का जो बैक ईएमएफ होगा, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो इस करंट को अपोज करना चाहेगा, और उसको अपोज करने के लिए, राइट, इसका खुद का जो ईएमएफ है उसका पोलैरिटी इस तरह से होगा, तो ही वो उसको अपोज कर सकता है, राइट। तो ये इसका खुद का जो करंट एक ये सर्किट में डेवलप करेगा, आई इंड्यूस, वो इस करंट को अपोज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये ईएमएफ का पोलैरिटी होगा, और सॉल्व करके 10 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, लेट अस टॉक अबाउट यू नो सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सी पार्ट में स्लाइट चेंजेस आएंगे। पहला चेंज ये आएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि द करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पीयर पर सेकेंड, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, डी आई बाई डी टी क्या है, माइनस, करंट डिक्रीज हो रहा है, चलो। लेकिन ई एम एफ का मॉड आप देखोगे तो मॉड अभी भी वही आएगा, एल डी आई बाई डी टी, राइट, इसमें तो माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं है। तो 1 × 1 1 वोल्ट। अब बस हमें पोलैरिटी देखना है कि ये जो बैटरी है, ये जो बैक ईएमएफ है, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, इसका पोलैरिटी कैसा होगा। तो उसके लिए फिर से हम वैसे ही सोचेंगे, यहाँ पे जो करंट है ये डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कैसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नेगेटिव है, राइट, इट्स नेगेटिव। तो जो करंट है ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, अगर करंट टाइम के साथ डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, बिकॉज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, राइट। The flux of this, you know, the flux through this inductor will decrease with time, right? Time के साथ decrease होता जाएगा। अब जब time के साथ decrease होगा तो वो उस flux के change को oppose करने के लिए क्या करेगा, वो इस existing current को support करेगा, right? क्योंकि flux decrease हो रहा है और वो चाहता है, और lens law क्या कहता है कि वो flux को decrease होने नहीं देगा। तो अगर होने नहीं देना है तो वो जो existing current है उसको उसको support करना होगा, ठीक है। और सपोर्ट करने के लिए जो यहाँ पे ये जो बैटरी है, ये बैटरी का पोलैरिटी कैसा होना चाहिए, ये बैटरी का जो पोलैरिटी है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो उस एग्जिस्टिंग करंट को क्या करे, सपोर्ट करे, यानी इस तरह से हो जाए, ठीक है, ताकि आई इंड्यूस्ड जो एग्जिस्टिंग करंट है उसको क्या करे, उसको वो सपोर्ट करे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप जब इक्वेशन लिखोगे तो थोड़ा चेंज आएगा यहाँ पे, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, ठीक है, और यहाँ से आप ये जो बैटरी को आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे एक पोटेंशियल राइज होगा, तो आप लिखोगे वी ए प्लस 1, ठीक है, उसके बाद ये फिर से -5 और माइनस ये, तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी जो है आपको मिल जाएगा 10 की जगह आपको मिल जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। तो चलो, वी हैव कंप्लीटेड विद दिस एग्जांपल, और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है ये, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आप लोग इसको
बारंबार इसको प्रैक्टिस करिए फिर से, जस्ट डू इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पोलैरिटी कैसे लिया हम लोगों ने, एंड यू योरसेल्फ डिसाइड कि पोलैरिटी कैसे लिया जाता है, ठीक है? ऑलराइट, चलो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ओके, नाउ सो बिफोर टेकिंग सम एग्जांपल, लेट अस डिस्कस वन मोर टॉपिक, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ओके, एंड देन वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक द सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? सो हम लोगों ने यहाँ पे तीन इंडक्टर कंसिडर किया है, L1, L2, L3. We've considered three inductors just for an example, right? We can have infinite inductors also here. So let us start. तो यहाँ पे हम लोगों ने इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, we have connected it in series. तो ये तीन जो इंडक्टर है, ये तीन इंडक्टर को का जो इक्विवेलेंट है, राइट, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो आप देख सकते हैं सेकेंड फिगर में, यहाँ हम लोगों ने तीनों को रिप्लेस करके, वी हैव रिप्लेस्ड ऑल दिस थ्री इंडक्टर्स बाय सिंगल इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस इज एल इक्विवेलेंट, ठीक है? सो दिस एल इक्विवेलेंट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो हाउ डू वी स्टार्ट? सो वी गोइंग टू डू अ स्मॉल डेरिवेशन हियर. तो हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे कि ये जो तीन इंडक्टर्स हैं, राइट, इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल वी है. तो इस तरह से यू नो विल जस्ट कंसीडर, विल जस्ट ऐसा इमेजिन कर लेंगे. तो मैं यहाँ पे जस्ट यू नो कनेक्ट दिस विद अ वायर, इस सर्किट पूरा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, चलो. तो यहाँ पे नो वी आर जस्ट कनेक्टिंग दिस एंटायर थिंग विद अ बैटरी जिसका पोटेंशियल क्या है, जिसका पोटेंशियल वी है. ओके, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया. अब ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे आप देख रहे हो इंडक्टर्स, राइट, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जैसे ये पहला जो इंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा उसका बैक ईएमएफ, ठीक है? तो वो बैक ईएमएफ कितना होगा, वो होगा L1 dI/dt, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तीनों में जो करंट है वो करंट सेम है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पे तीन इंडक्टर, राइट, जो हम लोग लिया था इस तरह से, एक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है? ये L1, L2, L3, ठीक है? और मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें क्या कर देंगे, बैटरी कनेक्ट कर देंगे इस तरह से. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V2, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V3, ठीक है? और मान लेते कि यहाँ पे करंट I है, तो V1 क्या होगा, V1, और ये सब सीरीज में है ना, ये सब सीरीज में है, इसके लिए ये सब में जो करंट होगा वो करंट तो सेम होगा, आई होगा. इसलिए जो ईएमएफ L1, तो ये क्या होगा, L1 dI/dt. V2 क्या होगा, V2 होगा L2 dI/dt. V3 L3 dI/dt, ठीक है? ओके, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये तीन जो इंडक्टर है यहाँ पे, ये तीनों को हटा के हम अगर एक सिंगल इंडक्टर लगा दे, एक सिंगल इंडक्टर लगा दे इस तरह से, इस तरह से लगा दे, ताकि ताकि ये यहाँ पे जो करंट विड्रॉ कर रहा है, ये तीन इंडक्टर मिलके जो करंट विड्रॉ कर रहे हैं वो अकेला ये एक इंडक्टर करे, ठीक है? ओके, ऑलराइट. तो यहाँ पे भी अगर मैं मान लू करंट उतना ही, क्योंकि सेम करंट विड्रॉ करे, ठीक है, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी के बराबर होगा, राइट, लूप लॉ के हिसाब से, राइट. नेट ईएमएफ इसमें, इस लूप में कितना चाहिए, जीरो होना चाहिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर आप लगाते हो. तो आप लिखोगे यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, L इक्विवेलेंट इनटू dI/dt लिखोगे, ठीक है? ओके, अब अगर आपने यहाँ पे, अगर आपने यूज किया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगर आप यहाँ लगाते हो तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे V-V1
माइनस वी टू माइनस वी थ्री इक्वल टू जीरो, ये लिखोगे। ओके, तो वी वन कितना है, वी वन है एल वन डी आई बाई डी टी, वी टू क्या है एल टू डी आई बाई डी टी, वी थ्री क्या है एल थ्री डी आई बाई डी टी। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको v भी लेना होगा, राइट। तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा ये v हम भूल गए, ये v माइनस, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा जीरो, ऑलराइट। तो यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया v इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री इंटू डी आई बाई डी टी मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप यहां देख सकते हो कि यहां पे जो v है पोटेंशियल है, राइट, जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो एक सिंगल इंडक्टर हमें यूज करना है, तो ये सिंगल इंडक्टर हमें इस तरह से यूज करना है ताकि ये तीन इंडक्टर मिलके जो करंट विड्रॉ कर रहे हैं, ये तीन इंडक्टर मिलके जो करंट विड्रॉ कर रहे हैं वो ये वाला इंडक्टर, वो ये इक्विवेलेंट इंडक्टर अकेला करे, राइट। तो इसका मतलब ये जो v है इस v को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इसको अगर मैं इक्वेशन वन बोलूं, इसको मैं इक्वेशन टू कह दूं, तो यूजिंग टू इन वन, राइट, टू इन वन अगर हम यूज कर ले तो v की जगह क्या लिखोगे आप, v की जगह आप लिखोगे l इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, राइट, दोनों सर्किट में करंट सेम है तो क्या होगा, तो एल एच एस और आर एच एस दोनों में डी आई बाई डी टी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, डी आई बाई डी टी विल बी कैंसल्ड आउट, और हम लोगों को यहाँ से एल इक्विवेलेंट जो मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो मिल जाएगा एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, और अगर और ज्यादा इंडक्टर्स हैं तो वो सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से रजिस्टर के लिए, राइट, सीरीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स इन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला आता था, ठीक वैसा ही फॉर्मूला यहाँ इंडक्टर के लिए भी आया है सीरीज के लिए, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन इंडक्टर लिया एल वन एल टू एल थ्री, ठीक है, इट्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जो टोटल करंट है वो आई, मतलब बेसिकली हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल वी है, और इससे जो टोटल करंट आ रहा है वो आई है, आई इज द टोटल करंट। तो ये जो टोटल करंट है, ये टोटल करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया आई वन आई टू आई थ्री में, ठीक है, तीन अलग अलग जो इंडक्टर्स है उसमें वो करंट डिवाइड हो गया है, और हम लोग चाहते हैं कि ये तीन इंडक्टर्स का इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करें। तो वो इक्विवेलेंट इस तरह से होना चाहिए ताकि, मतलब ये L इक्विवेलेंट ये इस तरह से होना चाहिए ताकि ये तीनों इंडक्टर मिलकर जितना करंट विड्रॉ कर रहे हैं, ये एक सिंगल इंडक्टर अकेले ही उतना करंट विड्रॉ कर ले, तभी हम लोग इसको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट होने के लिए एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जितना करंट विड्रॉ करेंगे ये तीनों मिलकर, राइट, उतना वो अकेले, ये अकेले ही, ये से एल इक्विवेलेंट जो है अकेले ही उतना करंट विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो जब यहाँ पे वो सेम बैटरी कनेक्ट हो तब वी, ओके। तो अब यहाँ पे आप क्या इक्वेशन लिखोगे, आप लिख सकते हो जो टोटल करंट है आई वो क्या होगा, वो हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ये फिगर है, ये इसको मैं फिगर ए बोल देता हूं, और ये जो आप देख रहे हो ये फिगर बी, ठीक है। तो फिगर ए के लिए, फॉर फिगर ए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इंडक्टर है, तीनों इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ड्रॉप वो वी होगा, राइट। जैसे अगर इसको मैं x बोल दूं, इस पॉइंट को y बोल दूं,
एक्स से वाई का ड्रॉप कितना होगा, वी होगा, क्योंकि ये सब पैरेलल में है। तो आप लिखोगे वी इज इक्वल टू एल वन इन टू डी आई वन बाई डी टी, ठीक है, ओके। फिर सेकेंड वाला जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल है वो वी है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वी इज इक्वल टू एल टू इन टू डी आई टू बाई डी टी, ये आप क्या लिख रहे हो, बैक ई एम एफ, ठीक है। फिर ये जो थर्ड इंडक्टर है, थर्ड इंडक्टर के लिए भी जो ये आप देख रहे हो बैटरी, ये बैटरी राइट, इसके पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यानी बैक ई एम एफ जो डेवलप होगा वो भी वी होगा, तो वो होगा V इज इक्वल टू एल थ्री डी आई थ्री बाई डी टी, ठीक है, ओके। और सिमिलरली ये जो फिगर है राइट, दूसरा फिगर जो है यहाँ पे फिगर B, तो फिगर B के लिए क्या होगा, फॉर फिगर B, तो फॉर फिगर B आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोटेंशियल है बैटरी का V, जब आप यहाँ पे लूप ला लिखोगे, यू राइट डाउन When you will write down the loop law, जब आप यहाँ पे loop law लिखोगे तो आपको मिलेगा वी माइनस आई एल, वी माइनस एल इक्वलेंट इन टू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, राइट, ये मिलेगा आपको, तो आपको मिल जाएगा एल इक्वलेंट डी आई बाई डी टी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, मिल जाएगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी प्लस डी आई थ्री बाई डी टी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये वैल्यूज डाल देंगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से हम लोग ये जो आप देख रहे हो डी आई वन बाई डी टी का वैल्यू मिल जाएगा वी बाई एल वन, तो उसको हम डाल देंगे। फिर डी आई टू बाई डी टी का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को वी बाई एल टू, वो हम डाल देंगे। फिर यहाँ से डी आई थ्री बाई डी टी का वैल्यू मिल जाएगा तो वो हम डाल देंगे, और यहाँ से डी आई बाई डी टी का वैल्यू मिल जाएगा, तो इस तरह से हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे राइट, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो हम लोगों को मिल जाएगा di by dt की जगह मिल जाएगा हम लोगों को v by l equivalent is equal to, और di1 by dt क्या होगा, वो होगा v by l1, ये होगा v by l2, ठीक है। और ये होगा v by l3, तो यहां से ये v सब कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा 1 बाई एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू प्लस 1 बाई एल थ्री, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, और अगर तीन से ज्यादा इंडक्टर है तो यू कैन ऐड देम ऑल्सो, तो दिस इज द इक्विवेलेंट 1 बाई एल इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हैं एल इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज के जैसा फार्मूला है, जैसे जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं, सॉरी रजिस्टर्स इन पैरेलल के जैसा फार्मूला है, तो रजिस्टर्स जब पैरेलल में होते हैं तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री डॉट डॉट डॉट, तो वैसा ही फार्मूला है यहाँ पे, सेम टू सेम, ठीक है, ओके। तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि सीरीज और पैरेलल में राइट सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल हियर, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टर्स इज 2.4 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टर्स। सो लेट अस अज्यूम दैट यू नो द इंडक्टेंस आर एल वन एल टू, ठीक है, ऑलराइट, और यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द एल इक्विवेलेंट is 2.4 हेनरी। सो पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 by 2.4 is equal to, तो आप यहाँ पे LCM ले लो, LCM लोगे तो ये हो जाएगा L1 plus L2 by L1 L2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा
L2 इज इक्वल टू 2.4 टाइम्स L1 प्लस L2, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर वन, और दिया गया यहाँ पे इज 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि L1 प्लस L2 जो है राइट सीरीज में है, वो होता है L इक्वलेंट। तो L1 प्लस L2, L इक्वलेंट कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 10, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम लोग यहां से राइट ये L1 प्लस L2 का जो वैल्यू है, तो ये जो आप देख रहे हो L1 प्लस L2 का जो वैल्यू है 10, इसको हम लोग अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो हम लोगों को L1 L2 मिल जाएगा 2.4 इंटू 10, मतलब ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है 24, ओके ऑलराइट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को L1 प्लस L2 का वैल्यू पता है और L1 L2 का वैल्यू पता है, ठीक है, ओके। तो हम लोग अब L1 माइनस L2 स्क्वायर जो है वो लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हम लोग एक L1 माइनस L2 का इक्वेशन यहाँ पे ला सकते हैं, वी कैन डू दैट। तो L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो सकता है L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स L1 L2, यस नो, यस। ये आपने ये जो सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, राइट, ओके। तो यहां से L1 प्लस L2 का वैल्यू कितना है, वो 10 है। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू L1 L2, तो उसका वैल्यू है 24। तो 4 इंटू 24 कितना होगा, 96 होगा, 100 माइनस 96 4 आ जाएगा। तो यहां से L1 माइनस L2 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया, ठीक है। तो L1 प्लस L2 भी आपके पास है और L1 माइनस L2 का वैल्यू भी हमारे पास है, ऑलराइट। तो हमारे पास L1 माइनस L2 आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, ये दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो मिल जाएगा आपको 2, और L1 प्लस L2 ये आपको मिल गया है 10, ठीक है। तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस टू। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा 2L1 इज इक्वल टू 12 और L1 इज इक्वल टू 6, राइट। और इसी तरह से L1 6 मिल गया है और L2 आपको मिल जाएगा 10 माइनस 6 यानी 4, तो 6 हेनरी और 4 हेनरी, तो ये हमें दो वैल्यूज मिल गए, ठीक है, L1 L2 हमें मिल गया। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट, ओके स्टूडेंट, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर। आपको दिया गया है व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एक सोलेनोइड के लिए हम लोगों ने इंडक्टेंस फाइंड आउट किया था, तो कितना आया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, राइट, ये आया था इंडक्टेंस। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टेंस, ये जो इंडक्टेंस है इस पर क्या इफेक्ट होगा व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ आर डबल्ड। तो नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ आर डबल्ड कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। तो एरिया को सेम रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ को डबल कर दिया है, तो क्या होगा, ओके, तो क्या होगा देखते हैं। तो म्यू नॉट एज इट इज, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डबल कर दिया गया है और लेंथ भी डबल कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, तो वो हमें देखना है, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स है उसको डबल कर दिया है, उसको 2n कर दिया है, और जो लेंथ है लेंथ को भी डबल कर दिया है, राइट, लेंथ को भी क्या कर दिया है, इधर लेंथ को भी डबल
कर दिया है, राइट, लेंथ इज ऑल्सो डबल्ड। तो जो n है तो n पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, n तो अभी भी सेम रहेगा, राइट, तो n अभी भी n रहेगा, लेकिन जो l है, l तो डबल हो गया है, वो 2l हो गया है, यानी पहले जो इंडक्टेंस l था कैपिटल L, अब वो इंडक्टेंस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L, यानी डबल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है कि वो डबल हो जाएगा, ठीक है, इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस डबल हो जाएगा, ओके। हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का उसके बारे में। तो ये यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया, नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला गया, व्हेन द एयर इनसाइड द सोलेनोइड इज रिप्लेस्ड बाय आयन ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, जो एयर है, राइट, तो अभी सोलेनोइड में क्या है, सोलेनोइड में एयर प्रेजेंट है, उस एयर को हम लोग जो है यहाँ पे किससे रिप्लेस कर देंगे, एक दूसरे मीडियम से रिप्लेस कर देंगे, राइट, दूसरे मीडियम से। तो जैसे ही आप दूसरे मीडियम से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है आपका इंडक्टेंस, जो इंडक्टेंस है वो हो जाएगा म्यू मीडियम, म्यू मीडियम, अब म्यू नॉट नहीं होगा, राइट, क्योंकि म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट इज द परमियाबिलिटी ऑफ एयर और एयर और वैक्यूम, ठीक है, दिस इज द परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और म्यू एम इज द परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे आप म्यू एम लोगे और बाकी सब चीजें वैसी रहेंगी, एन स्क्वेर पाई आर स्क्वेर टू एल। अब जो रिलेटिव परमियाबिलिटी होता है, राइट, रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या होता है, तो रिलेटिव परमियाबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, सो रिलेटिव परमियाबिलिटी इज द रेशियो ऑफ परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमियाबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहां से आप देख सकते हो म्यू एम जो है, म्यू एम का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू एम का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। तो म्यू नॉट टाइम्स क्या आ गया है, म्यू आर आ गया है। तो ये जो म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर आया है, इसको आप यहाँ पे यूज कर लोगे, ठीक है, यू विल यूज इट हियर। तो यहाँ पे आप उसको यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू एम की जगह लिखोगे आप म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वेर पाई आर स्क्वेर। अच्छा अच्छा, आप टू एल नहीं लिखोगे, आप इसको एल ही रहने दोगे, ठीक है, एल, ओके, आर स्क्वेर एल, क्योंकि वो 2L फर्स्ट पार्ट का आंसर था, एक्चुअल फॉर्मूले में तो सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सिर्फ L प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो म्यू नॉट एन स्क्वेर और पाई आर स्क्वेर एल, ये जो चीज है, राइट, दिस वन, दिस इज L, जो पहले जो इंडक्टेंस था वो है दिस वन, नॉट एन स्क्वेर पाई आर स्क्वेर एल। तो ये हो जाएगा जो नया इंडक्टेंस है एल डैश, वो हो जाएगा म्यू आर इनटू एल, क्या हो जाएगा, म्यू आर इनटू एल हो जाएगा, ओके, सो दिस इज द आंसर। तो ये है वो आंसर, ठीक है, this is going to be the answer, this is the answer, all right, okay, so we have completed with this lecture. In the next lecture we will discuss combination of inductor with resistor, right, inductors with resistors. So we'll take that in the next lecture. Till then, bye. Enjoy reading. I am sure aap log ye concepts acche samajh rahe hain. These are very important concepts. So guys, please put all your hard work and keep up the good work. Theek hai, mehnat kariye. And success will be all yours.